अभी माइक छोड़ दीजिए। नहीं माइक लेके हम बोलेंगे, मेरी बात सुनिए पहले। अभी पहले की सरकारें सबको बैठा के खिलाती थी, इसके पहले कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, न कभी रेप हुआ है, न कभी डकैती हुई, न चोरी हुई है। इसके पहले सब कुछ भगवा खरीद के अपने पैसा को उड़ाए, हमको कोई नेता नहीं दिया, हमें अपने पैसा अपने से कमा के खरीदे हैं। गाजा अपने से काम करता हूँ, पैसे से पियेंगे, योगी जी थोड़ा ही पहुँचाएंगे गाजा। ये बोल दिया ना कि गांजा पी लिए, दारू पी लिए, हेरोइन पी लिए, मतलब ये क्या स्टेटस है? ये बसपा का है इसलिए बोल देंगे। अभी स्वतंत्र देश उप मुख्यमंत्री नहीं, चुप मुख्यमंत्री है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो चुपचाप रहेंगे, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का इस समय सैदपुर विधानसभा में पहुंच चुकी है और जैसा कि हमने आपको वादा किया है कि हम 403 विधानसभा सीटों पर जाएंगे, तो उस वादे के तहत अब हम सैदपुर विधानसभा में आ गए हैं। मैं चाहूंगी कि क्लोजअप लेकर आप दिखाते रहें, नहीं तो लोग ये ना सोचे कि एक विधानसभा में हम जाते हैं, सारे विधानसभा हम जाते हैं। भैया ये कौन सी विधानसभा है? ये सैदपुर विधानसभा 374 है। हाँ, सैदपुर में पहुंच गए हमारी टीम जो है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितना विकास हुआ? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है अभी नहीं तक हुआ। नहीं हुआ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? जब विकास करेंगे तब तो होगा। हाँ। और लोग तभी तो कहेंगे। कहा तो सबका साथ सबका विकास हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, किसी का साथ नहीं है। हाँ, किसी का साथ सिर्फ गुंडों का साथ है और पुलिस वालों का। मत बोलिए, गुंडे तो किससे दूरबीन से ढूंढने पे नहीं मिल रहे हैं। अरे आपको लग रहा है ना, आप मीडिया वाले हैं। मैं बता रही हूँ, बयान आप नहीं, आप लोग आप मीडिया वाले, आपको थोड़ी गुंडे मिलेंगे। हाँ। जिसको मिलेंगे उसको मिलेंगे। हाँ, मैं तो नेताओं के बयान को कह रही हूँ कि नेताजी कह रहे हैं कि दूरबीन से ढूंढने पे भी गुंडे नहीं मिले, आप कह रहे हैं गुंडों का। अभी माइक छोड़ दीजिए। नहीं माइक लेके हम बोलेंगे, मेरी बात सुनिए पहले। अभी अभी कल एक दिन पहले एक लड़की एग्जाम देने गई थी दरोगा की, ठीक, कुछ गुंडे हो या बलात्कारी हो, उन्होंने चलती कार में उसका रेप करके फेंक दिया। वो लड़की दरोगा का परीक्षा देके आ रही थी। ये कौन सी सरकार है? क्या विकास हो रहा है? पुलिस क्या विकास कर रही है बताइए? घटना बता रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। नहीं नहीं सैदपुर की नहीं, उत्तर प्रदेश की घटना है जी। उत्तर प्रदेश में तो भैया लड़कियां सुरक्षित है? कुछ नहीं सुरक्षित है। सुरक्षित आपको लग रही है? दिन पे दिन हर दिन रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कौन कह रहा है सुरक्षित है? वादा तो यही था, कोई वादा नहीं है, सारा झूठा वादा है। हाँ, सारा झूठा वादा है, किसान परेशान हो रहे हैं। आप भी बताइए, तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। सरकार ने कहा हम अच्छे दिन ला रहे हैं, भैया कह रहे हैं हमको अच्छे दिन दिख ही नहीं रहे हैं। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? नहीं, अच्छे दिन तो आ गए। आ गए, इनको नहीं दिख रहा है। अरे भैया इससे बढ़िया कौन अच्छा दिन आएगा? जो भाड़ा सैदपुर से बनारस का 40 रुपया हुआ करता था, 35 रुपया हुआ करता था, वो 70 रुपया हो गया है। वो किस पे जा रहा है? वो गरीब जनता पे जा रहा है। बस में कौन चल रहा है? गरीब जनता चलते है। नहीं आजकल तो नेता लोग भी बस पे चल रहे हैं रैली करने के लिए। कौन नेता बस में चल रहा है बताइए? नेता लोगों की रैली? कोई नहीं, कोई रैली हो रही है तो सारी बसें बुक कर दी जा रही हैं। आप कह रहे हैं बसों पे नहीं चलते, तो बता रहे हैं कि नेता लोग भी बस पे चल रहे हैं चुनाव? नहीं नहीं नहीं, वो उसमें गरीब जनता रहते हैं। समझ रही हैं आप? यहीं अगर कहीं मोदी जी आ जाएं, योगी जी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, तो बसों भर के लोग जाते हैं 200 रुपए पे। हाँ, आप गए कि नहीं कभी? नहीं गए, नहीं गए, लेकिन हमारे गांव से लोग गए हैं। जी हमारे गांव से बहुत लोग गए हैं। एक अच्छा मौका था पैसा पाने का, नहीं गए? नहीं, तो हमको ऐसा पैसा नहीं ना चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, बहकावे में नहीं जाना है ना? बहकावे में नहीं जाना है। महिलाओं के सम्मान में नहीं है? हाँ, कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के सम्मान में फला पार्टी मैदान में, अब ये कह रहे हैं कि महिला भी सुरक्षित नहीं हो पा रही है। कम से कम जो क्या कहेंगे, जनता कह रही है, जनता कह रही है, हम तो कहेंगे ही जनता। तो आप भी तो जनता ही है भैया जी, इसीलिए तो कह रहे हैं। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, बताइए आपको क्या लग रहा है? मत कहिए कि यही कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। अच्छा, जनता कह रही है कि महिलाओं के सम्मान में कि आने वाली पार्टी महिलाओं को ही नहीं सुरक्षित कर पा रही है। आप भी बताइए, आप बोल नहीं पा रहे हैं अपना मन की बात। हम बोले नहीं बोल पाएंगे, क्यों? भाजपा वाले नहीं बोल पाते हैं? सफाई है, सफाई है,
अभी तो ये बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा काम करिए सर, ये जो कर अच्छा काम कर रही है। अरे बढ़िया काम है, काम बताइए। अरे काम सब जो हो रहा है सब नहीं है, कोई कोई काम नहीं कर रही है। इसी तरह बोल रहे जो जो काम हो रहा है, समय चल रहा है, सरकार बढ़िया काम तो नहीं है ना कि राम 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 कह रहे हैं और भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। 2022 में बाबा का आगमन है, फिर से आ रहे हैं योगी बाबा। 2022 कह रहे हैं किन मुद्दों पर आ रहे हैं? मुद्दा कोई बात हो जाएगा। नहीं नहीं 2022 में आ रहे हैं। पेट्रोल 200 हो जाएगा अगर आ जाएंगे, सरसों का तेल 500 रुपया लीटर हो जाएगा। 2022 सुनिए पहले आप कह रहे थे कि अच्छे दिन का वादा करने वाले लोग आम लोगों के अच्छे दिन ला ही नहीं पाए। नहीं नहीं कहने पर जो है कि रेट बढ़ा था, जनता के कहने पर जो है कि नहीं रेट डाउन, मुख्यमंत्री कहेगा कि रेट बढ़ जाएगा। क्या कह रहे हैं? कम कर दिए। जो तेल 100 रुपया मिलता था, आप उसको 200 लेना चाहेंगे? नहीं नहीं रेट डाउन। क्या कह रहे हैं भैया? हम कह रहे हैं दादाजी कि सरकार जो है राशन दे रही है, तो हम कह रहे हैं मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। चाचा ये बताइए कौन बोल रहा था दाम बढ़ा दीजिए? कौन सी जनता बोल रही थी कि दाम बढ़ा दीजिए? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई कह रहा है। जनता नहीं बोल रही, जनता क्यों बोलेगी कि दाम बढ़ा? जनता के कहने पर चाचा बोल के पलटिए नहीं। भैया कह रहे हैं योगी जी आ रहे हैं कि महंगा था, जनता बोली थी कि महंगा है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने डाउन कर दिए। किस बेस पे हो नहीं आएंगे? आएंगे कोई काम अच्छा काम बता दीजिए जो किए हैं। पर सर हो ही रहा है, एक ही बताइए ना, सिर्फ एक काम बताइए कि कोई काम अच्छा है। सिर्फ एक बताइए, कोई एक क्या बताइए? भैया कह रहे हैं कि आए ये 374 विधानसभा सहजपुर जो है ये समाजवादियों का है। अच्छा अच्छा ठीक है। पूरा प्रदेश में ला रहे हैं इस बार 2022 में, पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव आ रहे हैं। जी नहीं, आप देखिए, रुकिए रुकिए रुक जाइए एक मिनट भैया, आप बता दीजिए किस मुद्दों पर आएगी भाजपा? अरे आएगी भाजपा, तो मुद्दा तो बताइएगा। मतलब ये है मैम, जबरदस्ती आएगी सरकार, कुछ न कुछ जबरदस्ती करेगी, इसलिए आ सकती है। धोखेबाजी करे, वोट की घपलाबाजी करे, इसके इसके अलावा नहीं, इस बार कुछ नहीं, कोई भी मुद्दा नहीं है जिसके वो आ जाए। जिस प्रदेश में 2 बजे रात को एक इस रेप की हुई लड़की का जो है शव जला जाया जा रहा है, बताइए महिला कैसे सुरक्षित है? किस मुद्दे पे आएगी सर? अभी कल एग्जाम हुआ, कल की बात हम बता रहे हैं, कल ही दरोगा पुलिस का हुआ है, कल ही बलात्कार हुआ है, आप कह रहे हैं कि सुरक्षित है? कहाँ से सुरक्षित है? कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं सरकार ये बोल के आई थी, सरकार ये आप ये सरकार को बताइए ना कि जनता सुरक्षित नहीं है। हम वही जानने आए हैं सैदपुर में, ये जानिए कि जनता सुरक्षित नहीं है। क्या कह रहे हैं? और है बीजेपी का फुल सपोर्टर है, ठीक है? नहीं योगी बाबा बताइए। देखिए भैया, सरकार ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, अब इन लोगों का कहना है कि महिलाओं का भी सम्मान नहीं कर पा रही है, जो बोल के खुद आई थी। काम बता दो 5 साल में। नहीं भैया काम तो हुआ है, कोरोना काल में पूरा संभाले हैं। कोरोना गए कितना दिन हो गया? 1 साल हो गया कोरोना गए। क्या संभाले उन्होंने? बता दें कोरोना के बाद किसको रोजगार दिए? जिस घर में नौकरी थी नौकरी छीन गई, जो तेल 100 रुपया था वो 250 रुपया होगा, कहाँ से इंसान खाएगा? तो भैया डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन तो हो रहा है। बढ़ा के 5 रुपया डाउन करोगे तो कैसे होगा? काम का दाम कम हो गया, कौन सी चीज़? अरे पेट्रोल तो डाउन हो गया, डाउन हुआ। अरे भाई साहब डाउन हो गया, डाउन हो गया। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बात कर सके? बीजेपी के पास कोई एक भी मुद्दा नहीं है। जा रहे भैया, जवाब नहीं दे पाए। बीजेपी सपोर्टर है बेचारे, क्या कहेंगे? यहाँ सब समाजवादी, देखिए गमछा पहने हैं दादाजी, भी समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है जी। सब समाजवादी गरीब है, किसान है, गरीब है, किसान है। इनको भी लग रहा है कि जो खेत की जुताई 500 रुपया हुई थी, आज 1000 रुपया हो गई है। गेहूं वही 14 का 15 ही है। अब वो बताएंगे चाचा, चाचा गरीबों के लिए सरकार काम की कि नहीं? गरीबों के लिए तो वही तो, गरीबों को राशन पहुंचाई, कोई काम नहीं है। 2000 रुपया दे रही है, क्यों नहीं सरकार दे? देखिए देखिए गेहूं दे रही है। सुनिए पहले, दिन भर हल चलाए अभी भोजन नहीं मिला है, चाबी देखिए, और ट्रैक्टर वहाँ खड़ा है। ट्रैक्टर का है,
जो तेल 60 रुपया हुआ कहता था वो 100 रुपया कहाँ से चुका? भोजन नहीं किए हैं तो सरकार क्या करेगी? आपके मुंह में खिलाएगी सरकार भोजन देने? आप अरे भैया भोजन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले की सरकारें सबको बैठा के खिलाती थी, इसके पहले कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, न कभी रेप हुआ है, न कभी डकैती हुई, न चोरी हुई है। इसके पहले सब कुछ बंद कर दिए है। क्या बंद किए है? एक आदमी जो सरकारी नौकर है वो अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहता है और सरकार संविधान पर रखे 5 लोगों को एक आदमी की जब रोटी रोजी दे रही है। सरकार ने क्या नहीं किया है? पैसा कहाँ भेज रही है? वो क्या है? कहाँ भेज रही है? सारी सुविधा दे जाओ आप सरान जो न करे तो क्या करे? जो हमारा स्टेशन सरकारी हुआ करता था आज प्राइवेट हो गए। 5 रुपए का टिकट मैं भी बोलूंगा। इसके पहले इसी जिले में 4-4, 5-5 मंत्री रहे गाजीपुर में, सपा के पीरियड में और बसपा के पीरियड में। बताइए किसने क्या किया है? 4-4, 5-5 मंत्री रहे हैं। क्या किया सर? भाजपा ने क्या किया है? 5 रुपए फॉर्म टिकट 200 रुपए। कोरोना पीरियड में आप नहीं समझे माननीय मुलायम सिंह की पार्टी ने कुछ किया है? मायावती जी के सामने वो क्या है? जो सत्ता में है वो करेगा कि मुलायम सिंह करेंगे? क्या अखिलेश करेंगे? कुछ कर ले। आप असली मुलायम सिंह को किसने कह रहे हैं? 2 साल पहले बना जाने में कितना टाइम लगा भाई? वो काम अखिलेश यादव द्वारा ही किया गया था। आप सिर्फ नाम बदलते हैं, भाजपा सिर्फ नाम बदल रही है। महंगाई है, मजदूर का महंगाई 500 रुपया, 3000 पर लोग टीचर पढ़ाते हैं। बताइए महंगाई कहाँ से है? कौन सी टीचर 3000 पढ़ाता है? कौन सा टीचर है? प्राइवेट के क्यों बात कर रहे हैं? प्राइवेट 3000 लोग पढ़ाते हैं। प्राइवेट क्यों बात कर रहे हैं? मजदूरी 600 रुपया हुआ है। मजदूरी करिए ना, प्राइवेट क्यों बात कर रहे हैं? 600 है? नहीं नहीं, आप मजदूरी 600 है कि नहीं? आप बताइए, 4.5 सालों में अपने क्षेत्र में आप क्या नया देखे? 4.5 साल हो गए आपको अपने क्षेत्र में, क्या नया काम विधानसभा आपके विधानसभा में आपको क्या नया काम देखा? नया काम खेत में आपके विधानसभा में 4.5 सालों में क्या कुछ नया हुआ है? बहुत कुछ नया हुआ है, गिनाइए इनको इनका आवाज। पहली बात तो हम लोग जब बनारस में जाते थे तब थोड़ा सा शहर का दर्शन होता था। अगर आज हम यहाँ जाएंगे उड़ियार तब भी हम जानते कि हम कहीं हैं। अगर हम गाजीपुर जाएंगे तब भी हम कहेंगे कहीं हैं। दुल्लापुर जाएंगे तब भी हम कहेंगे कहीं हैं। शहर बना दिया उन्होंने। हाँ, इतना तो है पहली बात। दूसरी बात कि देख सुनिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आई उसने किसानों गरीब किसानों के जो है केसीसी माफ किया। पहली बात, भाजपा गवर्नमेंट आई उसने भी केसीसी माफ किया। लेकिन अखिलेश सिंह की सरकार थी, कोई केसीसी इन्होंने अखिलेश यादव ये लोग जो है एजेंडा दिए कि हमें तो केसीसी माफ करेंगे। ये लोग ले गए भूमि विकास बैंक पर डाल दिए और हम लोग जो है ऋण से बोझ पर लदे रह गए। हाँ, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट में लोग लाख पाए हैं। हाँ, 1,00,000 रुपया हम लोग को माफ हुआ है। इन्हीं को मिला है? मत मिले। 15 लाख जो गरीबों को मिलने वाला था वो इन्हीं को मिला। एक जो हम किसान हैं, किसान लोन किसान है, हम अन्न पैदा करके देश को देते हैं। 1,000 किसान है, किसी का माफ नहीं हुआ है। 1,000 में एक का माफ करेंगे तो थोड़ा ही किसान है। इनका माफ हुआ, इनकी राय है। हाँ, तो इन्हीं पर्सनली इनका माफ 15 लाख इन्हीं को मिला है और कर्ज माफी इन्हीं का हुआ है। इन्हीं को लगता है कि हम गाजीपुर में हैं, बनारस में हैं, लेकिन खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? बताइए, खाने पर मिलेगा, कैसे कमाएंगे? हम कहते हैं सुनिए, देहात के लोग रोजगार मिलेगा करना नहीं चाहते हैं। घर से आगे चट्टी चौराहे पर बैठ के दिन भर पेपर पढ़ेंगे। अपने समय का सदुपयोग करें, स्वयं पैदा करें। किसान कितनी मेहनत करता है खेत में, देखिए जाके खेत में देखिए। हम सरकार से कुछ भीख नहीं मांगते, हम अपना मेहनत करते हैं। किसान खेत में कितनी मेहनत करता है, वहाँ पैसा सुख मेहनत करता है। हाँ, सरकार भाजपा ये कहती है, मैं सर भाजपा ये कहती है रोजगार अगर हम पकौड़ा बेच रहे हैं। 1,000 लड़के दिखाएंगे वहीं दौड़ते हुए। 2 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। उनकी मार्कशीट खत्म हो रही है, उसको सरकार नहीं बोल रही कि मार्कशीट हम बैक करेंगे। सही बात है। कुछ बोल रही है, आर्मी भर्ती पे सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं 3 साल हो गए अभी ये जो बच्चे दौड़ते हैं। आर्मी की भर्ती नहीं, 1,000 लड़के दौड़ते हैं डिग्री कॉलेज में जाके। देखिए आप, गवर्नमेंट का मैटर, उनको भर्ती देना चाहिए। मतलब किसका मैटर है? भाजपा ही तो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनको देना चाहिए। इसके लिए तो उसी को तो बोल रहे हैं कि देना चाहिए। वही तो हम भी बोल रहे हैं, देना चाहिए तो कहाँ से देंगे? देने के लिए रहेंगे तभी तो देंगे। अभी बोल रहा है कि अखिलेश आएंगे योगी। पूर्वांचल के लोगों को मोहरा बना करके पश्चिम में विकास किया गया है।
हम भी पूरा इंडिया टूर करके बैठे हैं। हाँ। पूर्वांचल के लोगों को मोहरा बना करके सारा विकास पश्चिम में किया गया है। अब पूर्वांचल में धीरे धीरे विकास शुरू हुआ है। बस 10 साल 5 साल का कोई एक विकास आप बता के जाइए, कहाँ बताए हैं? ऐसे करने से नहीं होगा। आप चलिए, वही भाड़ा 35 रुपया था, 70 रुपया हो गया है। क्या कह रहे हैं भैया? जनता का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है ये सरकार में। विनाश हो गया। कहीं विनाश हो गया भैया? कोरोना हुआ, महंगाई हो गया, यही ना हुआ? ये गांजा पी के आवत हो तो हाँ, राजा ऐसा बात कर रहे हैं। चोर साहब जितने बात किए हैं वो सही बोल रहे हैं, वो जितना बोले हैं वो सही बोले हैं। तारीफ करेंगे ना, ये बताएंगे कि दारू पी के आया पीने वाले की तारीफ भी करेंगे, चिल्ला रहे हैं माइक के सामने। आप क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सरकार अच्छी है, भगवा उड़े हैं, अच्छी है। नहीं, भगवा नहीं उड़े हैं, भगवा खरीद के अपने पैसा को उड़े हैं। हमको कोई नेता नहीं दिया, हमें अपने पैसा अपने से कमा के खरीदे हैं। गाजा अपने से काम करता हूँ, पैसे से पियेंगे, योगी जी थोड़ा ही पहुँचाएंगे गाजा। नहीं नहीं, हम अपने पैसे से खरीदे हैं मैम इसको। आपको क्या अच्छा लग रहा है सरकार में? सरकार में सारी अच्छा लग रहा है हमको। सरकार क्या अच्छा लग रहा है यार? जबरदस्ती कहोगे, निपक्ष भर्ती है, सारी भर्ती निपक्ष है। कोई भर्ती है? हर भर्ती निपक्ष है। 69,000 मास्टरों की भर्ती निपक्ष हुई, और सारे पुलिस वालों की भर्ती निपक्ष हुई। अरे मैम 69,000 की बात कर रहे हैं, 69,000 में अभी तक अच्छे से लागू हुआ क्या भैया? चोरों के लिए सरकार गंदी है। कौन है चोर? अरे जनता चोर है, जनता चोर है, जनता चोर है। क्योंकि ट्रेन से जाते थे, चोरी चोर है, जनता कहाँ से चोर होगी? मोदी जी रोक दिए, मतलब भी तो जनता है। मोदी जी ट्रेन रोक दिए, पूछा कि जनता ही हो तो जनता है, जनता है। हम भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम भी प्राइवेट नौकरी करते हैं। यो चोर हुआ, जनता चोर होंगे। जनता चोर है भैया, जनता जैसा कि ट्रेन रोक दी है। बीजेपी चोर है बोल रहे हैं, बीजेपी चोर है मैडम। दादाजी की उम्र देखिए, जनता जो है आप बोल रहे हैं बीजेपी ये हो रही है, ठीक है? बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी जो किया अपने के लिए किया, ठीक है? बीजेपी जहाँ उद्योगपतियों के लिए किया है, बीजेपी अंबानी अडानी। बीजेपी ये कहा मेरा काला धन, मेरे इंडिया का पैसा वापस आ जाएगा सबके अकाउंट में, हम खाता खुलवा रहे हैं, पैसा डालेंगे। कहाँ गया वो मैडम? गए सिलेंडर 450 रुपया हुआ करता था, आज 1,000 रुपया हुआ है। 1,000 हुआ कि नहीं? आपके घर भी गैस जाता होगा। जैसे बदनाम किए ना आप, नहीं आप बोल रहे हैं ये भगवा लिए हैं तो बोले हैं भैया। सवाल हम तो अपने पैसा खरीदे, हमको मोदी, मैं तो थोड़ी बोली हूँ कि आपको मोदी जी ला के दिए हैं। देखिए बोल दे ना कि गांजा पी लिए, दारू पी लिए, हेरोइन पी लिए, मतलब ये क्या स्टेटस है? ये बसपा का है इसलिए बोल देंगे। अभी बसपा के बी का जनी है भर्ती ना हमारा, सपा वाले हैं तो बोल देंगे। हमारी बात सुना, 4:30 5 बजे हुई, लड़का खूब दौड़त हुई, मेहनत करत हुई है, जाके वहाँ देखा खून पसीना एक हो गल, भर्ती कौनो ना निकल थे, 3 साल हो गल, लड़का का मार्कशीट। ये सरकार में सबसे अधिक वैकेंसी निकली, कहाँ है वैकेंसी? जोन भी कोई वैकेंसी नहीं निकली है। कितना वैकेंसी? कुछ नहीं निकली। सबसे अधिक वैकेंसी बीजेपी सरकार में निकली है भाई, बहुत। एक मिनट, कहाँ कोई माफिया गिरी सब हट गई, कुछ नहीं हटी सरकार में, कुछ नहीं है। हट गया भैया, बलात्कार हट गया, चोरी बंद हो गई, हत्या बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि आप शिक्षा प्रेरक में थे, 3 साल से बंद हो गया, हम लोग का पैसा भी नहीं मिला, अब वैकेंसी भी बंद हो गया, हम लोग बेरोजगार हो गए। नहीं दिए हैं ये हमको योगी जी, नहीं दिए हैं, हम अपने पैसे से करते हैं भगवा कला। गरीब जनता में आवा उनका बताइए, हम लोग 2,000 रुपये का नौकरी करते थे, 3 साल नौकरी किए, योगी सरकार आए बंद कर दिए, बंद करने के बाद हम लोग को 3 साल का तनख्वाह तक नहीं दिए, हम लोग रोड पे आ गए, कैसे कैसे रोजी रोटी करते हम लोग समझ रहे हैं, बताइए कि क्यों बंद कर दिए? हम लोग को तो देना चाहिए। चाय बेचो, प्रधानमंत्री बनो, देश बेचो, मोदी जी बेचो, उद्योगपति बनो,
बेचो, उद्योगपति बनो, हम लोग रेलवे बेचो, 5 रुपए का टिकट 50 रुपए कर दो, रोजगार किस पे जाएगा, जनता पे जाएगा। प्रधानमंत्री बनना है वो मोदी जैसा बने, जो लड़के दौड़ रहे हैं। अरे हम बोले मैडम ना, जिसको प्रधानमंत्री बनना है वो मोदी जैसा बने। जनता कमा, पेट्रोल 60 रुपया आज हो गया कितना, 100 रुपया कैसे हो गया। वो जवाब दे रहे हैं आपका, कह रहे हैं कि कुछ क्या जवाब देंगे, पकौड़ा तल लीजिए, चाय बना लीजिए, वो बोल रहे हैं। अरे तो कहिए ना, वो क्यों जाके पकौड़ा तले, पकौड़ा तले, हम लोग क्यों पढ़े लिख रहे हैं भाई। विकास पकौड़ा तलना, पकौड़ी तलना, पालक, किसी को भाजपा विकास मान। आप जब रोजगार देने की बात आ रही तो पकौड़ा तलने के लिए बोल रहे हैं। जो बीए बीटेक करके बैठा हुआ है वो पकौड़ा तलेगा, वो जो जाके ग्राउंड जो मेहनत किए अपना पैसा मांग रहे हैं। गवर्नमेंट हम लोग पे लाठी चार्ज करवाती है, मरवाती है, भगवाती है, हम लोग को पैसा तक नहीं मिलता है। गैसवा बेचा था 450-1000 भयाल क्या करे, क्या करे, पास पैसा जाता हमारी बात सुनिए। पहले 450 रुपया का रहा ना, कांग्रेस आज 1000 रुपया हो गई। बोलने दीजिए भैया। कांग्रेस के सरकार में यही सिलेंडर अगर 1000 के जाता तो हमारी जनता के खाते में 600 रुपये सब्सिडी आती थी। क्या बात बतिया रहे, 600 रुपया हम भी लिए थे, हम आप ही से गैस लेते थे। आप कांग्रेस के सरकार में कैसे न ले ले हुई हमारे बात तो अलग है, ये तो बता देंगे। 1000 रुपये है, गाजा पिए हैं, हीरोइन हमारी बात। एक आज के डेट में 1000 रुपये का सिलेंडर बेच रहे हैं, एक भी सब्सिडी नहीं आ रही है, चमन्नी नहीं सब्सिडी आ रही है, ऐसा नहीं आ मतलब बेचते हैं। क्या वाजिब दाम है, वाजिब दाम है, मतलब उसमें वर्क करते हैं, जनता के जेब काट रहे, वाजिब दाम है। जितना सिलेंडर 450 का हुआ करता था जब कांग्रेस में 650 हुआ। आपको सरकार क्या नहीं दे रही है, सरकार महंगाई कर रही है भैया। अरे कोई नहीं महंगाई करे, महंगाई कर रही है। अरे जितना तनख्वाह दे रही है, तनख्वाह भी दे रही है। ग्राउंड पे जाकर देखिए आप, लड़के 3 साल से खून पसीना देख करके दौड़ रहे हैं। हमारे भी फील्ड पे लड़के हैं, दोनों के फील्ड पे भी लड़के हैं, 250 हो रहे हैं, बताइए क्यों नहीं जा रहे हैं। सरकारी नौकरी निकल, बहुत बहुत लड़का हुआ है, जस्ती बात बताइए। सबसे ज्यादा सरकार जो है सिर्फ वादे करती करती नहीं, बात सुनिए पहले, चाहिए नहीं सुनेंगे, सिर्फ वादे करती काम नहीं करती, पहले चीज। दूसरा चीज जानिए, अभी हम 69,000 वैकेंसी में आरक्षण घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा, ठीक है, और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें कोई बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट मान लिया कि नहीं घोटाला हुआ है ओबीसी एससी के साथ, लेकिन फिर भी सरकार उसको मान नहीं रही है। अब बताइए कैसी सरकार है, मानते कि पूर्व वो सरकार आई है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये हमारा पूर्वांचल है, यहाँ पे यादव वंश और एससी वंश ओबीसी वंश यही मिला के सरकार बनाते हैं। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो यहाँ से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, और जब पूर्वांचल से हारेंगे तो फिर पूरा सोली यूपी उनको संभाल नहीं पाएगा। रास्ता साफ हो गया है उनका, पूर्वांचल ही में ये जनता उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की है। उसमें योगी सरकार कहती है कि नहीं करना, लेकिन उन्होंने अधिकारी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो हम किसको दोषी माने, अधिकारी को माने कि सीएम को माने। माननीय मुख्यमंत्री जी को माना जाएगा, सीधे मंत्री गलती है। अगर मंत्री बात मानते तो आज हमारे बेरोजगार इतना चोट नहीं खाते। आखिर लोग क्यों हमारी सीट चोरी कर रहे हैं बताइए, हमारा हक नहीं है अपनी सीट का 21-27% का, उन्हें क्यों हक मारा हुआ है। और यहाँ तक कि जब केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पे आए थे तो बोले थे कि भाई ऐसा है कि जो हमारे बिरादरीवाद यहाँ पे चलता ही है, वो बोले मौर वंश हमारे साथ आ जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आज जब वही एक लड़का है राहुल मौर्य, जब गया आरक्षण घोटाले में वहाँ पता करने के, तो उन्हीं पर लाठीचार्ज करवा दिए। बताइए क्या वो कहाँ का न्याय है, यानी हम उनको सरकार में लाए आज उन्हीं से हम लात खाए। एक ऐसी सरकार है, उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं हमारे ही बच्चे हैं, अगर इनका हम भला करने कौन सा उनको अपने घर से पैसा देना है, यही तो उनका विकास, उनको अपने घर से पैसा देना नहीं है। वहाँ पे बजट भी पास हो चुका पूरी तरह से, तो जान लीजिए कि इस बार योगी सरकार आने वाली नहीं है, अगले जिंदाबाद। इस बार योगी सरकार नहीं आएगी, चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, आप लोग अपनी मांग को लेकर जा रहे हैं तो वहाँ से क्या कहा जाए, वहाँ पे बोल रहे लाठी चार्ज हो रहा है। अगर मांग लेकर जाएंगे तो इनको लाठी चार्ज कर दिया जाएगा। अरे तीन अभी वोट नहीं चाहिए क्या आपका, अभी देखेंगे कि महिला है या पुरुष है, लाठी चार्ज करने वाले सिर्फ पुरुष रहेंगे, चाहे वहाँ महिला हो। अभी यही 23 नवंबर को धरना हुआ था आज विधानसभा के मतलब साथ पास में, लेकिन फिर भी जाके पुलिस ने उनको लाठी चार्ज के उठा के बंद कर दिया।
यहाँ तक कि लोग अपने सरकार को भी नहीं मान रहे हैं। आप लोगों का वोट नहीं चाहिए क्या सरकार? अब उनको ये बात सोचना पड़ेगा, यानी उनको सब मिला के करके दिखाएंगे तब बात समझ में आएगी। अगर उनको ये बात आज नहीं समझ में आएगी ना, अभी आचार संहिता लगने वाला है कुछ टाइम में, अगर हमारी बात मान ले तो अच्छी बात है, और नहीं मानेंगे तो उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। साफ साफ खुले तौर पे बोला जा रहा है। ये सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, यहाँ जितने युवा है जितने सबकी बात है। ये बुखार बूंदी से बोल रहा हूँ ना, ये हमारी आवाज नहीं है, समझ रही हूँ मैं, ये पूरा लोक दल की आवाज है, ये युवाओं की आवाज है। मैं बस मिला की मतलब ऑफर मिला की मैं उनकी बात पहुँचाऊँ की किस तरह से हो रहा है काम। 20,000 शिक्षा प्रेरक है, अब तक उन लोग को 3 साल का मानदेय नहीं मिला, वो लोग बेरोजगार हो गए, भटक रहे हैं इधर उधर, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, अपना रोजी रोटी के लिए कोई मुंबई जा रहा है, कोई अपना इधर उधर काम कर रहा है। ये मिल जाता 2-3 साल का तनख्वाह तो वो अपना कोई कारोबार में लगाते हैं, अपना रोजी रोटी इकट्ठा तो करते हैं। अरे हम बाकी बता रहे हैं, सीधी सीधी हमारी जो 7225 वैकेंसी पहले हुआ था उसमें कुछ मामला गड़बड़ चल रहा था, उस टाइम ने यही जो लड़के धरना दिए थे, यही हमारे केशवराज मौर्य जी को मैं दोषी मानूंगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि इधर के यही लाला है। हम सोचे कि यही सीएम बनेंगे, और ये सीएम बनेंगे तो हमारा कम से कम गाजीपुर या यूपी बढ़िया विकास करेगा, या तो जो मनोज सिन्हा जी हैं हम सोचे कि वही बन जाएंगे तो विकास होगा, लेकिन उनके नाम पे कोई कुछ नहीं हुआ, और वोट तो ले लिया उनके नाम पे, उनको भी लात मारे कहीं कुछ और भेज दिया उठा करके। बताइए क्या कर रहे हैं, यानी मोदी जी को जब उनको मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तो उनको बात सोचना चाहिए ना कि किस व्यक्ति ने उनको वहाँ पे उठा के लाया है और उन्हें को लात मार के निकाल दिए। मुख्यमंत्री हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। स्वतंत्र देव सर उप मुख्यमंत्री नहीं, चुप मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो चुपचाप रहेंगे, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री हैं। चुप नहीं रहेंगे तो सिर्फ वो कहने के नाम पे उनके हाथ में सत्ता है, नहीं तो एक तरह चमचा बैठे हुए हैं बस, उनके क्या ठुल्लू है, वो कम मार लात मार के भगा देंगे, इसीलिए उनको चुप रहना मजबूरी है। कम से कम जो सीट बैठे 10 रुपया की इज्जत हो रहा है। कमजोर नेता को क्यों चुन दिया भैया? गलती वही गलती हुई है जो 2022 में नहीं होगी, वही जो गलती हुई है 2022 में नहीं होगी। मतलब इस बार युवा है उनको ऐसी बात बताया गया, ऐसी बात बताया गया, क्या बताया गया आपके काम उनके, ये बताया गया कि आपको रोजगार मिलेगा, नौकरी निकलेगी। कुछ नहीं निकला, 5 साल हो गया कुछ भी नहीं निकला, खाली बस हिंदू रोजगार मिलेगा, अन्याय नहीं होगा। स्टेशनों का नाम बदला जा रहा है, स्टेशनों का नाम बदला जा रहा है, मुगलसराय को बदल के क्या कर दिया भैया, दीनदयाल कर दिया, ठीक है, इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज कर दिया, 50 रुपए का प्लेटफार्म टिकट को 50 रुपया कर दिया, 5 रुपए के प्लेटफार्म टिकट को। भैया आप बताइए, आपने बड़े नेता का नाम लिया, केशव प्रसाद मौर्य का, सबका, मैं सबको जेल कराया हूँ यहाँ पे भी। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने वोट दिया तो आप उनका चेहरा देख के वोट देते हैं, बिल्कुल, फिर जब आप परेशान होते हैं वो नहीं आते हैं तो आपके दिल में क्या होता है? हमारे दिल में सीधी सी बात होता है कि लोग चमचा है, इनसे बढ़िया अखिलेश सरकार है, मैं सरकार थी साफ साफ, इनसे मैं थोड़ी जा पाते भैया उनसे बात करने, ना ना ना, उनके नहीं, नहीं, भी लोग हमारे पास मिलने आते थे, जो जातिवाद थोड़ा ही है, नौकरी में कोई जातिवाद नहीं है, तो भाई सबका अधिकार है, शिक्षक वर्ग का अधिकार है, और इन्होंने बिल्कुल मीडिया का फायदा, देखिए दिमाग का टेक्निक कि मीडिया का फायदा, व्हाट्सएप का फायदा, जो चैटिंग सारी जो ऑनलाइन चीजें है, वो केशव प्रसाद मौर्य रिपोर्टर है आज तक वगैरह जो है सब बीजेपी वाले है, जो उठा लिए कहेंगे, बिकी हुई मीडिया है वो। भारत एक नई सोच, ये भारत एक नई सोच है, ये जो है ये हमारी जनता की आवाज सुनेगी और प्रधानमंत्री तक संदेश देगी कि इस बार सारे जनता उनसे नाराज है, अगर ये रोजगार नहीं देंगे तो इनका सपना साफ हो जाएगा, इस बार 2022 में योगी जी नहीं आएंगे। सत्ता को गिराना बैठाना ये पूर्वांचल काम होता है, बाकी किसी काम नहीं है। विकास 2017 में चल रहा था, अब दावा है कि 2022 में दौड़ेगा, भरोसा है कि नहीं? हाँ, जरूर कुछ नहीं दौड़ेगा, नहीं नहीं, 22 भरोसा है कि धोखा मिली, भगवान के यह भरोसा है कि धोखा मिली, धोखा मिली, जवन 2017 में मिला ना वह 2022 में मिली, केवल मीडिया पर दौड़ेगा, हुआ मीठा जहर हो गया है मीडिया में, भारत एक नई मीडिया जो है, मीडिया जो है ये जनता के पास जाए, हर जिले में जाए, हर जिले में जा रहे, हर जिले में जाए, हर विधानसभा में जाए, लोगों से पूछे, गरीब जनता से पूछे, गांव गांव से पूछे, और जो नहीं नहीं जो ग्राउंड है यहाँ यहाँ जो ग्राउंड है वहाँ ग्राउंड पे जाए, वहाँ के लड़कों से पूछे, जो लड़के हैं वही भारत के नए
युवा नए ताकत है। हाँ हाँ। भारत युवाओं का देश है और युवाओं की सबसे बड़ी नाराजगी अपनी नौकरियों को लेकर है। बार बार पूछ रहे हैं कि 3 साल में आर्मी भर्ती एक बार भी क्यों नहीं निकाली गई। अगर ये बोला जाए कि कोरोना है तो बोलते हैं कोरोना चुनाव में क्यों नहीं है। हर तो चीज के लिए कोरोना क्यों नहीं है। हाँ। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है वहाँ क्यों नहीं कोरोना हुआ, बिहार में चुनाव हुआ है वहाँ कोरोना क्यों नहीं था। हाँ। ये बच्चे के लिए कोई कोरोना बोल रहे हैं जी। ये बच्चे जो रोजगार की तलाश में है वो सरकार से सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर आप हमें नौकरियां नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा, हम कैसे कहेंगे सरकार से कि हमारे भी अच्छे दिन आ गए। तो जो दावे और वादे पोषणों पर हैं वो जमीन पर भी दिखे तभी तो युवा कहेगी कि हमारा विकास हुआ। देखिए ये जनता है, जनता अपनी राय ऐसी ही देती रहेगी और हम हर विधानसभा पे जाने का जो आपको वादा करके निकले हैं कि 403 विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे वो वादा जरूर पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।